कैटेगराइज द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम SHM. अब आपके पास एक फंक्शन दे रखा है वाई इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, और आपको पता लगाना है कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक है, और बी आपको चेक करना है कि अगर ये पीरियोडिक है लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है तो इसका पीरियड निकाल के बताओ. तो सबसे पहले अपन ये चेक करते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर वो SHM है तो ये कैसे चेक करते हैं. कोई भी फंक्शन अगर पीरियोडिक होगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो. इस इक्वेशन का दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं अपन. तो पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे इसको वाई डैश लिखेंगे, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, ठीक है, और अंदर ओमेगा टी भी आ रहा है, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा टी के रिस्पेक्ट में सिर्फ ओमेगा, वो मल्टीप्लाई कर देंगे. ऐसे ही कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, सो माइनस साइन थीटा, और अंदर ओमेगा टी भी आ रहा है, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये आ गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन. अपन को दूसरी बार फिर से करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो इस इक्वेशन का वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे. तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो अपने पास जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा हमारे यहाँ पे ओमेगा टी है. अब ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा हो जाएगा, और एक ओमेगा पहले से ही है तो ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएगा. ऐसे ही साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा कॉस ओमेगा टी, माइनस का साइन एज इट इज आ गया, ठीक है, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा एक पहले से है, एक और ओमेगा आ गया तो ओमेगा स्क्वायर बन गया. अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लिया अपन ने, अंदर क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. अब साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, वाई, तो इस पूरे टर्म की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, वाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई डबल डैश को क्या लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. अब इस माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई को लेफ्ट साइड पे ले लो तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो. तो यानी कि अपन ने इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके चेक कर लिया कि ये हो सकता है, तो ये SHM की इक्वेशन है. तो यस, वाई इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी इज एन इक्वेशन ऑफ SHM, और इसका पीरियड क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया, साइन ओमेगा टी का पीरियड होता है 2π और टाइम पीरियड होता है 2π बाई ओमेगा. ऐसे ही कॉस ओमेगा टी का भी पीरियड क्या होता है, 2π और टाइम पीरियड होगा 2π बाई ओमेगा. तो हम किन्हीं दो अलग अलग पीरियड्स को ऐड या सबट्रैक्ट करें तो उनका जो रिजल्टेंट पीरियड होता है या टाइम पीरियड होता है वो चेंज नहीं होता, वो ही रहता है, ठीक है. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड विल बी 2π बाई ओमेगा एंड पीरियड हम बोल सकते हैं 2π. थैंक यू.